वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका जो दुर्पंग रिजर्व फॉरेस्ट का जो नोटिफिकेशन को लेके पीसीसीएफ ने 2011 में भी एक चिट्ठी डीसी को लिखा था कि जो भी एलपीसी या अलॉटमेंट दुर्पंग रिजर्व फॉरेस्ट या आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिया जाता है उसको कैंसिल करना है। तो 2011 देन 2021 का उनका चिट्ठी था, डायरेक्शन था, तो उस हिसाब से हमने एक ऑर्डर जारी किया था कि नोइंगली और अनोइंगली अगर कोई एलपीसी या अलॉटमेंट रिजर्व फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो देता है वो एब इनिशियो वैध ही होता है, तो उसी चीज़ को हमने दिया था। तो बीच में इस इंडिविजुअल को बाई नेम से अगर देने से ठीक था बोल के सजेशन आया था, क्योंकि ये मैं जनरल ऑर्डर में दे दिया था, तो इंडिविजुअली जिस जिसको देना है वो एक देने का सुझाव दिया, इसलिए मैंने वो पर्स ऑर्डर को हमने विड्रॉ कर लिया है। तो अभी पर्टिकुलर केस अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिखाता है कि एलपीसी जो है उन लोग का ज्यूरिडिक्शन में डीआई बोलने से उसको इंडिविजुअली उसको कैंसिल करने का हायर ऑथोरिटी से सजेशन था, तो उस हिसाब से अभी तक एक दो केस ही हमने कैंसिल किया है। और आगे अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अगर एविडेंस का साथ देता है कि ये रेवेन्यू ज्यूरिडिक्शन नहीं है, फॉरेस्ट ज्यूरिडिक्शन है, बोलने से कैंसिल हो जाएगा। हमारा इटाफोर्ट का आसपास जो लास्ट इस तरफ का और उस तरफ का इटाफोर्ट उस तरफ जो है उसको लेके अभी जैसे वो गुम्पा मुंडर एरिया से लेके थोड़ा इस तरफ हमारा थाना का तरफ से तो ये कुछ पोर्शन 1.6 किलोमीटर लेंथ नहीं वो विलेज का है, तो वो एक्सक्लूडेड है। और उसका बात नाहरलगन में कुछ एरिया है जो एक्सक्लूडेड है, तो एक्सक्लूडेड एरिया का जो नाहरलगन का पोर्शन जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसका जियो कोऑर्डिनेट हम निकल नहीं पा रहा है, उसके लिए हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बात कर रहा है वो दे देगा, लेकिन ईटानगर का तो वो क्लियरली दे दिया है आपको, हमने अभी दिखाया है और जहाँ में जियो कोऑर्डिनेट का मुताबिक से हम आराम से इसको पकड़ सकता है कि कहाँ से कहाँ तक हमारा ये डी रिजर्व किया हुआ है। तो रेस जो है चीफ सेक्रेटरी का साथ में मीटिंग हुआ है और इवन मंत्री का साथ भी एक बार बैठक हुआ है, तो अभी सरकार जो है अभी तो जैसे आईजी पार्क है वहाँ पे तो अभी कोई जानवर है ही नहीं जो कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, उसको लेके अभी सीएस ने वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मार्क कर दिया है कि इसको कैसे करना है नहीं करना है, वो लोग अभी फाइल प्रोसेस करेगा, गवर्नमेंट उसको इसको एग्जामिन करेगा और आगे जो भी हो पब्लिक के लिए ही सरकार है, सरकार वेलफेयर सरकार है, वो लोग कोशिश करेगा कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। जैसे आपका रिपोर्ट में अभी तक जो लैंड अलॉटमेंट मिला हुआ हमने अपलोड कर दिया है मेरा वेबसाइट में, वहाँ आप लोग देख सकता है क्योंकि उसमें मैंने सेक्टर मेंशन किया है, और अभी अब जैसे आपको ये रिकॉर्ड दिया है तो वो रिकॉर्ड का मुताबिक से जो नहीं है नहीं है, जो है है, क्योंकि लीगल स्टेटस रिमेंस द सेम, आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग। सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बात किया जाता है तो हम हमारे दिमाग पे यही आता है कि एनिमल का जो सेफ्टी होता है। हाँ जी। लेकिन मैक्सिमम आप देखा जाता है बोर्डर से कैपिटल रीजन में पूरा सेटलमेंट हो चुका है। हाँ जी। तो सर वो सेटलमेंट को अभी आप क्या करने वाले हैं? नहीं, उसका ये तापी जब हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो इसका जो एरिया को जो डिमार्केट करने किया वार्ड वाइज में, उस समय में यूडी डिपार्टमेंट ने एक फाइल मूव किया था, तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यही क्लेम किया था कि 500 सम करोड़ का पैसा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना है, जिससे वो और भी फॉरेस्ट कहीं भी और ये कर सकता है, तो फॉरेस्ट प्लांटेशन कर सकता है। और एक है कि रेशनलाइज करने का बात हुआ था, तो रेशनलाइज ये जो ईटानगर में जो भी फॉरेस्ट का अंदर जितना भी एरिया है उसका जगह में बदली में देने का था, तो इसमें क्या होता है एक सगाली साइड में
प्रपोजल गया था तो वहाँ का लोग अपोज कर दिया तो वो बन नहीं पाया। और एक है कि एनिमल का रेशनलाइज को तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एनिमल दिखा रहा है तो नहीं होने से भी उसको रेशनलाइज कर नहीं पा रहा था। तो जो भी हो टोटल एरिया को लेके सरकार को बोला था कि 500 करोड़ को देना है ताकि लोग जो अभी हमें रिजर्वेशन के अंदर में है उसको डी रिजर्व करने के लिए बात हुआ था, लेकिन उसको अमल नहीं हुआ। नहीं, उनका बात करना सही है, हम उसको डिनाई नहीं करेगा ना अपोज करेगा, लेकिन सच बात यह है कि ये तो डेमोक्रेटिक सेटअप में ऑनरेबल MLA ऑनरेबल मिनिस्टर लोग सरकार होता है, हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम लोग उन लोगों का जो नियम कानून जो बना के रखता है उसका ऊपर में बेस करके हम ऑन द ग्राउंड में काम करता है। और इफ आई एम नॉट मिस्टेक ऑनरेबल MLA जो है वो पार्लियामेंट की सेक्रेटरी लैंड में बेच चुका है, ये लैंड से रिलेटेड है, इसलिए उनका जो दो टेन्योर जो है अभी भी ही इज ऑनरेबल MLA। आई थिंक इसको हम लोग जो चीज़ सच्चाई है ना वो सच्चाई को एडमिट करना है, एडमिट करके उसका जो डी रिजर्वेशन के लिए उस लाइन में सरकार का साथ कदम से कदम मिला के अभी चीफ सेक्रेटरी काफ़ी सीरियसली लेके काम कर रहा है, तो वो उनका साथ करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ जाके बात करना होगा। देयर इज़ नो एनिमल जो कि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कुछ फॉरेस्ट था ही नहीं, अभी पूरा लोग बैठ गया है, इसको लेके पॉलिटिकल लीडर लोग उनका 10 साल का एक टेन्योर था, अभी अनदर 2 साल चल रहा है, ही शुड टॉक टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देन ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर को लेके कैबिनेट डिसीजन लेके असेंबली में जाके बात करके एक उधर में एक डिसीजन रिजोल्यूशन अडॉप्ट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करना चाहिए। हम लोग तो बहुत छोटा मोटा आदमी है और हम जो है एक जो डिस्ट्रिक्ट का जो एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर जो हमारा रेवेन्यू सेक्टर है, रेवेन्यू एरिया है, हम उसमें मेरा जुरिडिक्शन है, रेवेन्यू एरिया का बाहर में जो भी गलती होता है उसी चीज़ को हमको PCC अपने चिट्ठी लिखा, उसका रेस्पॉन्स में हमने ये बात को बताया कि सचमुच का अगर हमने LPC या अलॉटमेंट आज या कल कोई भी समय का अगर दिया है तो हमारा जुरिडिक्शन नहीं बनता है, तो हमारा जुरिडिक्शन बनता है LPC के लिए ये जो 5 बस्ती है और अलॉटमेंट बनता है 15.26 किलोमीटर स्क्वायर जो हमारा प्रोजेक्ट एरिया है, तो अभी इस समय में हम 200 किलोमीटर से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हम LPC अलॉटमेंट जो दे रहा है ये तो गलत है, तो इसको हम बोलो ना बोलो जो लीगल स्टेटस रिमेन द सेम। मिलो ना मिलो, लीगल स्टेटस रिमेंस द सेम। आपको अगर हमने अगर बस्ती में LPC नहीं दे के फॉरेस्ट लैंड में अगर LPC दिया है, फॉरेस्ट लैंड में LPC दिया है, वो तो वो लीगल स्टेटस तो वही है कि वो एक कागज़ का ही पन्ना है, इट डज नॉट हैव लीगल स्टेटस, वो इलीगल है, अनऑथोराइज दिया गया है। नहीं नहीं, मैंने अभी मैं रिसेंटली मैंने जब ज्वाइन किया तो ये 4 महीना में ज्वाइन किया तो हमने एक ऑर्डर पास किया कि क्योंकि यहाँ ऐसे चलता है बोल के मालूम था, इसलिए मैंने ऑर्डर June 21 में लिखा है कि यहाँ में जो ऐसे इन व्यू ऑफ SIC विजिलेंस केस नंबर इतना, इन व्यू ऑफ ओवरलैपिंग अलॉटमेंट LPC केसेस इन ईटानगर, हेंस फॉर DLRSO कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेल ऑब्टेन काउंटर सिग्नेचर ऑफ डिप्टी कमिश्नर
इनवेरिएबली इन द लैंड पासबुक लैंड अलॉटमेंट ऑर्डर्स विदाउट फेल। मैंने इसलिए दे दिया, मैं जब भी ज्वाइन किया कि बोला कि ये गलत काम नहीं करना है, तो लेकिन 7 महीना में फिर DLRSO और ADC ने LPC का कागज़ बिना मेरा जाने में कर रहा था। मैंने उनको 100 कुछ नोटिस दिया और हमारा जितना भी जो लैंड का डिपार्टमेंट लैंड का है सब को मैं अभी ई फाइल बना रहा है, और ई फाइल जब बनाएगा इसमें कुछ गलती होने का चांस नहीं होता है, क्योंकि अपडेट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगा। तो उसका बाद में हमारा जो अभी जितने भी अलॉटमेंट है LPC है उसको मैंने पूरा डाटा कंप्यूटराइज करके अभी वेबसाइट में भी डाल दिया, तो लोग आराम से वेबसाइट में निकाल के देख के पता चल सकता है कि ये गलत हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए तो ये सब काम अभी चल रहा है, और कोई भी गलत करता है गलत गलत होता है, सही नहीं हो सकता है। तो सर लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऑलरेडी सेटलमेंट है, जो मतलब सोच रहे कि ये तो मेरा है ये सोच। देखो अभी मैंने एक आर्मी ऑफिसर आया था वो अलॉटमेंट LPC के लिए, मैंने पूछा उसको आपको एक नकली AK-47 देगा प्लास्टिक का, देखने में जैसे भी बंदूक जैसे होगा, तो उसको लेके आप पाकिस्तान में लड़ने जाओ या कहीं लड़ने जाओ तो आप लड़ेगा क्या, उसे बोला नहीं लड़ेगा बोला। और आप लोग सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा धनी आदमी का घर में जाने से वहाँ में अंगूर प्लास्टिक का अंगूर इतना सुंदर एप्पल कॉल पूरा प्लास्टिक का मिलेगा, ये एकदम माने इस विषय का एकदम सुंदर एग्जांपल होगा, देखने से तो असली अंगूर से भी बहुत मज़ा दिखेगा, लेकिन कहेगा क्या आप उसको। ऐसे ही आप अगर जो LPC जो है विलेज नोटिफाइड में दे रहा है वो असली अंगूर है, विलेज नोटिफाइड के बाहर में जितना भी LPC दे रहा है या अलॉटमेंट दे रहा है वो तो नकली बंदूक और नकली अंगूर का जैसे है, कल को कोई लीगली कोई इसको चैलेंज करता है तो वो जीरो अलुगति हो जाएगा। तो इसलिए मेरा तो यही सजेशन है, हमें तो नहीं दूंगा, जो दे दिया कोई बात नहीं, उसको हम कुछ चेरकानी तो नहीं करेगा अनलेस कोई कंप्लेन आता है। तो इसलिए बात ये है कि आप जो मिला है ठीक है कोई बात नहीं है, कानून में यही होता है कि अनलेस कोई भी ऑर्डर रॉन्ग हो राइट अनलेस इट इज़ जुडिशली इट इज़ करेक्टेड वो बिकम्स लीगल डॉक्यूमेंट, बट वंस अभी कोई चैलेंज करता है देन वो तो कहीं का नहीं होगा, बिकॉज DC डज नॉट हैव अ ज्यूरिडिक्शन इन द फॉरेस्ट लैंड दैट इज दुर्पंग रिजर्व फॉरेस्ट ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हमारा लीगल राइट नहीं है।